अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 12 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो का पार्ट वन है। पार्ट टू का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपने वहां से जाके लाजमी चेक कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स, जब कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और अगर कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे इसके डिफाइन देखें कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के तमाम वैलेंसीज फुली सेटिस्फाई हो, यानी कि वो चार बॉन्ड्स बना रहा हो और सिंगल बॉन्ड्स हो कार्बन और कार्बन एटम के दरमियान, तो वो सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें कार्बन एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। स्टूडेंट्स, एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जो सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं, जबकि एल्कीन्स और एल्काइन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स जिनके अंदर होते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दी हुई है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन। इस डायग्राम में आप देखें ये कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स हैं और ये एल्केन है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स या अल्काइन्स आ जाते हैं। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इसके अनसैचुरेशन को शो कर रहे हैं। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अगर आप एग्जांपल देखें तो इनमें अल्केन्स हैं, यहाँ पे कार्बन जो है ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और अगर अल्कीन्स या अल्काइन्स की आप एग्जांपल देखें, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू है, अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ फोर कार्बन एटम्स हैज अ ट्रिपल बॉन्ड इन इट, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर टोटल चार कार्बन एटम्स हैं और कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्वेश्चन की कंडीशंस के मुताबिक ये वाला स्ट्रक्चर 2-ब्यूटाइन का है जो कि अल्काइन फैमिली का मेंबर है। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस तरह से होगा। इसमें आप सारी कंडीशंस देख लें, इसमें चार कार्बन एटम्स हैं और एक कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करें तो तीन हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हैं और तीन हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हैं, इसके अंदर टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई आर द अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, पैरा का मतलब होता है लेस, अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी या फिर रिएक्टिविटी। वो हाइड्रोकार्बन जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम हो इनको हम लोग पैराफिन्स कहते हैं, और अल्केन्स की रिएक्टिविटी कम होती है इसलिए अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम अल्कीन के अंदर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करें तो वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अनसैचुरेशन कन्वर्ट हो जाती है सैचुरेशन के अंदर, और इसमें हम लोग कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स का मतलब है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। इसमें हम लोग निकल या प्लैटिनियम दोनों को कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये इसका केमिकल रिएक्शन है। इथीन को हमने जब हाइड्रोजनेशन इथेन की कराई निकल की प्रेजेंस में और टेम्परेचर हमने दिया तो हमारे पास इथेन बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर अल्काइल हैलाइड्स रिड्यूस्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन का सिंपल प्रोसेस देखें, जनरल प्रोसेस है। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, इसके अंदर जब हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे जिंक और HCl की प्रेजेंस में तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बन जाएगा। इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों ने कैटलिस्ट के तौर पर जिंक और HCl को यूज़ किया है। जिंक और HCl जब कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो अल्काइल हैलाइड के साथ जब ये वाली हाइड्रोजन रिएक्ट करती है तो अल्काइल हैलाइड रिड्यूस हो जाते हैं और वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मिथाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट हो गया है मिथेन में, इस तरह से इथाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट हो गया है इथेन के अंदर। तो अल्काइल हैलाइड के अंदर एटॉमिक या नेसेंट हाइड्रोजन के एडिशन को हम लोग रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई आर अल्केन्स यूज्ड एज फ्यूल।
स्टूडेंट्स, जब हम अल्केन्स की कम्बस्टन करते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, हमने मीथेन लिया है, इसका जब हमने इसकी कम्बस्टन कराई तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ और साथ में हीट प्रोड्यूस हो गई, तो इसलिए ये कम्बस्टन के लिए यूज़ होते हैं एल्केन्स, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। और एल्केन्स की कम्बस्टन का प्रोसेस कहाँ कहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है, गाड़ियों के इंजन के अंदर यूज़ होता है, घरों में जो हीटर्स यूज़ होते हैं उनके अंदर, और हमारे कुकिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं चीज़ें उनके लिए उनके अंदर यूज़ होती है कम्बस्टन ऑफ एल्केन्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम अल्कोहल एंड इथाइल ब्रोमाइड्स। स्टूडेंट, चैप्टर में दो मेथड दिए हुए हैं एल्कीन की फॉर्मेशन के लिए, इन दोनों को हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन का मतलब यह है कि वाटर मॉलिक्यूल को अल्कोहल से रिमूव करा देना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का पहले रिएक्शन देखते हैं, ये दो स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में जब हम लोग अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, तो हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोड्यूस होता है। सेकेंड स्टेप में ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में से वाटर की रिमूवल होती है और ये हमारे पास इथीन बना देता है। तो यही प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम H2SO4 को ट्रीट करते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रीसेंस में अल्कोहल्स के साथ, और वो हीट जब हम करते हैं तो इथीन हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम एल्कीन की प्रिपरेशन का दूसरा मेथड देख लेते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का रिमूवल कराएंगे, तो हमारे पास एल्कीन प्रोड्यूस होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे रिएक्शन देखें, हमने इथाइल ब्रोमाइड की रिडक्शन कराई है और उससे हमें इथीन का मॉलिक्यूल मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन विद अ केमिकल टेस्ट। प्रोपेन जो कि एक अल्केन है और प्रोपीन जो कि एक अल्कीन है, इनकी हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है केमिकल टेस्ट के जरिए। स्टूडेंट्स, चैप्टर के कॉन्टेंट्स में अल्कीन की केमिकल रिएक्शन में दो टेस्ट दिए हुए हैं, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा बायर्स रिएजेंट टेस्ट। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं इन एक्सरसाइज के नोट्स के अलावा भी आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो मैं उसके ऊपर लेक्चर बना के आपको दे दिया करूँगी। तो इसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन के साथ आइडेंटिफिकेशन करनी है अल्केन और अल्कीन की। यहाँ पर हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे। ब्रोमीन वाटर होता क्या चीज़ है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें ब्रोमीन वाटर होता है, उसको हम लोग ब्रोमीन वाटर कहते हैं। इसके टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ब्रोमीन से अल्कीन को ट्रीट करवाते हैं, तो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है। ये ब्रोमीन वाटर था रेडिश ब्राउन कलर का, इसमें हम लोग ने जब अल्कीन डाली तो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो गया। इससे हमें प्रूव हो गया है कि एक अल्कीन यहाँ पे थी। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों टेस्ट जो है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट या बायर्स रिएजेंट टेस्ट, ये अल्कीन्स देते हैं और अल्कीन्स ये वाले रिएक्शन नहीं देते। यहाँ पे देखें, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट था, इसके अंदर हम लोगों ने पहले ब्रोमीन ऐड की जब हमने अल्केन के अंदर, तो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेकिन जब हमने ब्रोमीन को ऐड किया ब्रोमीन वाटर को अल्कीन के अंदर, तो अल्कीन का कलर डिस्चार्ज हो गया। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है अल्केन्स और अल्कीन्स का। तो क्वेश्चन में उन्होंने हमसे प्रोपेन और प्रोपीन के आइडेंटिफिकेशन का कहा है, तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखें, हम लोग रिएक्शन करेंगे कि हम लोग डिसॉल्व करते हैं ब्रोमीन वाटर, पहले हम लोग बनाते हैं, उसके बाद ब्रोमीन वाटर के अंदर हम लोग प्रोपीन ऐड जब करेंगे तो ब्रोमीन वाटर का जो रेडिश ब्राउन कलर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा और हमें प्रूव हो जाएगा कि जो ब्रोमीन है ये अल्कीन फैमिली से है और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन अगर हम उसी ब्रोमीन वाटर के सोल्यूशन के अंदर प्रोपेन को ऐड करेंगे तो उसका रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज नहीं होगा और ये प्रूव हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी हमारे पास कि प्रोपेन जो है ये अल्केन है, क्योंकि अल्केन ये वाला टेस्ट नहीं देते। और यहाँ पर इसका रिएक्शन है अल्कीन्स का, ब्रोमीन वाटर के अंदर जब हमने अल्कीन को प्रोपीन को ऐड किया तो ये रिएक्ट होके इसने ये कंपाउंड बना दिया और ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो गया। और स्टूडेंट्स, इसी तरह ही दूसरा जो बायर्स रिएजेंट टेस्ट है, उसमें भी बिल्कुल यही मेथड है। उसके अंदर हम लोग अल्कलाइन KMnO4 के पिंक कलर का वो एक सोल्यूशन होता है, उसके अंदर हम लोग अल्केन या अल्कीन को ऐड करें तो अल्केन्स जो है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि अल्कीन्स उसके साथ रिएक्ट करता है और KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमें ये प्रूव हो जाता है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसने कलर डिस्चार्ज करा दिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्केन्स और अल्कीन इस तरह से हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई आर द एल्कीन्स कॉल्ड ओलेफिन्स? स्टूडेंट्स, एल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स इसलिए कहते हैं, ओलेफिन्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग। जो लोअर एल्कीन्स होते हैं, मतलब ऐसे एल्कीन्स जो कम कार्बन एटम वाले हों, उनको जब हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कराएं तो वो एक ऑयली सा लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए एल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑयल फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई एल्केन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 सॉल्यूशन? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के ज़रा बैकग्राउंड की तरफ अगर हम जाएं, तो एल्केन्स, एल्कीन्स या एल्काइन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए दो टेस्ट दिए हैं आपकी बुक में, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट और एक बायर्स-डिटर्जेंट टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है, और इसमें हम लोग बायर्स-डिटर्जेंट टेस्ट अब पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स या एल्काइन्स। अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमें नहीं पता कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद पता चला सकते हैं कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि बायर्स डिटर्जेंट टेस्ट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग बताएंगे कि एल्कीन्स ये वाला टेस्ट क्यों नहीं देते। बायर्स डिटर्जेंट टेस्ट के अंदर हम लोग एल्कीन को या एल्केन को डाइल्यूट कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। स्टूडेंट्स, KMnO4 सॉल्यूशन जो होता है ये पिंक कलर का होता है। जब हम इसमें एल्कीन ऐड करते हैं तो इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पे देखिए, हमने एक सैंपल ऐड किया है और इसका पिंक कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सैंपल के अंदर एल्केन या सैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है। लेकिन हमने जब यहाँ पे एक सैंपल के अंदर ऐड किया हमने KMnO4 सॉल्यूशन, तो इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो गया, तो इसमें हम कहेंगे कि एल्काइन्स या एल्कीन्स प्रेजेंट हैं। और स्टूडेंट्स, एल्कीन्स जो है बायर्स रिएजेंट रिएक्शन नहीं देते, और क्वेश्चन में उन्होंने हमसे यही बात पूछी है कि एल्कीन्स जो है वो KMnO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते। तो ये हमारे पास आंसर है, क्योंकि एल्कीन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और ये KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, जब एल्कीन रिएक्ट करते हैं KMnO4 के साथ, तो मल्टीपल बॉन्ड पे हाइड्रोक्सीलेशन होती है, जिसकी वजह से ग्लाइकॉल प्रोड्यूस हो जाता है। तो मेन रीज़न इसकी यही है कि एल्केन्स के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए एल्केन्स जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता KMnO4 के साथ, जबकि एल्कीन्स जो है वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर एडिशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल? ऐसे रिएक्शन जिनमें काफ़ी सारे रिएक्टर्स के मिलने के बावजूद भी एक ही सिंगल प्रोडक्ट बने, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। एल्कीन की हेलोजिनेशन हो रही है, दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं लेकिन ये मिलके एक ही सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं। और स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और आपको आने वाले दिनों में मैं किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करूं, मुझे इस बारे में भी बताया करें। तो स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।